कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू टेनर। अरे भाई वो ट्रक वाला आगे बोले भाई तो नहीं, पहली बार तो मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, वो ट्रक वाला एकदम पास नहीं जा रहा है अभी सुबह के, आज कौन सा डे, आज है सैटरडे, सुबह के 7 बजने को है एंड अब लोग निकले राइड पे। कैंट किधर जा रहे हैं अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, मरीन ड्राइव या चंडी कोली, इन दोनों में से कोई एक जगह जाएंगे। किधर? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव ही सब लोग बोल रहे, तो मेरे को लगता है मरीन ड्राइव ही चलेंगे। अली भाई सब लोग मरीन ड्राइव ही बोल रहे हैं, खाली ये चंडी कोल है। मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को कुछ भी चलेगा। न्यूट्रल? हाँ कोई भी चलेगा। तो आज का लाइनअप बड़ा क्रेजी लाइनअप है, पीछे देखो इधर है टेनर CBR 900 एंड एक और टेनर, तो दो दो टेनर वही सेम SC प्रोजेक्ट। भाई आज मारेगा ठो 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 करेगा, पटाखा पनीर टिक्का है तो किस पर लगा दो यहाँ पे, वहाँ जाते आते पहुंच जाएगा। मैं मैरिनेट लेके आया हूँ, ये स्वागत पनीर लेके आया है तुम्हारे लिए। पनीर है उनके बैग में रखा हुआ है, उनके बैग में पाया, उसके बैग में पनीर का धब्बा है। झूठ झूठ एकदम, अरे एकदम 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 गलत, येलो कलर का धब्बा नहीं था उसके बैग के अंदर, वो वाइजैग में कुछ लेके आया, पनीर का सब्जी लेके गया था। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, पनीर टिक्का मसाला लेके गया था। नो अरे मेरा इतना एग्जो फ्लेम थोड़ा मारता है, पनीर टिक्का का फ्लेम मारता तो ले आता भाई, इसको विंटर बॉनफायर वॉनफायर में ऐसे लकड़ी रख देंगे और ठोक। लेकिन भाई बहुत लाउड, अभी जैसे आप लोग ने देखा उसको, मैं बस वहाँ से यहाँ लेके आया, जो टर्न करने में एकदम, आप भी लेके आना कैसा लगा आपको वाला? मेरा तो पैर नहीं लग रहा था इसका, एक्चुअली सीट हाइट ज्यादा है इसका, सीट हाइट ज्यादा नहीं है, गाड़ी थोड़ा चौड़ा भी है ना, हाँ तो इसलिए ना पैर ऐसे आप चौड़ा है एंड बहुत ज्यादा लीन है आगे। 840 mm 30 mm ऐसा इसका सीट है। नहीं मेरे को हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बाकी लीन है ना एंड इतना हेवी लगता है। स्ट्रेट रोड से मैं चला लूंगा, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेट रोड में कोई प्रॉब्लम, तो खाली स्ट्रेट रोड में तो आप फर्स्ट गियर चैलेंज मारोगे फिर। नहीं 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 वो सब नहीं करना है, गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाना है, वो सब वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए, बाइक को बाइक के जैसे यूज करना चाहिए, वही रिस्पेक्ट बाइक्स, ऐसा भी नहीं करना। फुल टू रिस्पेक्ट बाजी चल रही है इधर, फुल टू रिस्पेक्ट बाजी। नया जैकेट लेकर आए हैं? हां बाय द वे न्यू जैकेट, कांग्रेचुलेशंस, आज की सारी ट्रीट इनके तरफ से होगी क्योंकि नया जैकेट लेके आए हैं। पैसा खत्म हो गया मेरा, मेरा बजट 12,000 का था, मैं 8,000 का पकड़ गया। तो क्या 4,000 रुपए बचाना खत्म कैसे हुआ? नहीं वो पेट्रोल वेट्रोल में डल गया है, सर्विस सर्विस में खत्म हो गया। प्लीज एकदम एकदम झूठ बात, तो आज का सारा जो ट्रीट होगा नहीं था, मैं एकदम ही झूठ बात, आज सारा खाना इनके तरफ से होने वाला है। अभी ज्यादा लेट नहीं करते हैं, 7 बजने वाला है, खाना मैं दे दूंगा, पैसा इन लोग कोई और देगा। खाना तो खाना आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खाना रेस्टोरेंट वाला दे देगा। हाँ, आप खाली पैसा नहीं, मैं बोल दूंगा मैं दे देता हूँ, पैसा कोई और दे देगा। नो 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 गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से, 7 बजने को है, आगे राइड कंटिन्यू करते क्योंकि नहीं तो आते आते लेट हो जाएगा। ओ भाई सब ऑन हो गए, सब ऑन हो गए, अरे अरे चले हो भाई साहब, आज फिर से बम पड़ा के दिवाली बनेगी आज फिर। उई 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 भाई, ट्रेनिंग स्कूल भाई, ड्राइविंग स्कूल है ना, ड्रंक एंड ड्राइविंग स्कूल है भाई, कैसे घुसा है रोड के बीच में, ज्यादा पीछे नहीं रहना भाई, मुंह पे फ्लेम मारता है ये। ओ स्प्लेंडर वाले भाई साहब चार्ज हो गए, चार्ज हो गए भाई साहब, चार्ज हो गए। तो अभी हम लोग का फर्स्ट स्टॉप है फ्यूल ब्रेक, यस हम लोग को फ्यूल भराना, क्योंकि पूरी वाले रोड पे ना मैं आपको बताने भूल गया, हम लोग का डेस्टिनेशन फाइनल हुआ है मरीन ड्राइव एंड वो पूरी वाली रोड पे कोई अच्छा पेट्रोल पंप नहीं है भाई, तो हम लोग यहीं से भरा के फिलअप करके निकलेंगे। टैंक पकड़ने का स्टाइल देखा, ऐसे ही पकड़ा है टैंक भाई, क्या भयंकर सेफ्टी है, पूरा टैंक का कंट्रोल भाई वो क्या करे वो अभिषेक भाई को, अरे भाई यहाँ पकड़ ले कंधे पे। ओ भाई ये लोग इतना स्लो क्यों आ रहे हैं पीछे? ओ मेरे को पता चला अभिषेक भाई का 80 के ऊपर जान से विंडो में जाता है, तो वो अगर ब्लॉग बना रहे होंगे ना तो 80 से नीचे हो जाता है, फिर ब्लॉग बनाते हैं फिर कैचअप करते हैं। भाई अपना माइक चेंज करो भाई लोग, मेरे को ना पूरे वाइजैक राइड में एक चीज का बड़ा लॉस हुआ है, सोच सकते हो क्या है? ठीक है मैं बताता हूँ, वो है ये मिरर्स भाई, मेरा राइट साइड वाला मिरर है ना थोड़ा लूज हो गया, लेफ्ट वाला भी थोड़ा लूज हो ही गया, मैं उसको घर में टाइट करने की कोशिश किया, टाइट नहीं हो रहा भाई, उसका जो थ्रेड होता है ना स्क्रू का, मेरे को लगता है वो थ्रेड गया, तो अभी ना मिरर्स थोड़े थोड़े लूज हो रहे हैं, हाई स्पीड पे ना ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो ये मैं इसको रखता हूँ ऐसे, यहाँ से ना ऐसे लूज होने रखता है, राइट साइड में ऐसे घूम रहा है, तो मेरे को लगता है भाई टाइम आ गया इसका चेंज कराने का। भाई 300-400 रुपये में लिए थे भाई, क्या मिरर्स है, मस्त अपना पूरा पैसा वसूल करके मरे हैं ये लोग, शहीद हुए, मरे नहीं है लोग, शहीद हुए हैं, तो अभी इनको
फुल सामान से उतार दिया जाएगा एंड नए मिरर्स लगा दिए जाएंगे। वो आप लोग को जो साउंड है ना वो अलग आएगी, मेरे को जो साउंड आ रहे हैं यहाँ पे रियल लाइफ में वो एकदम ही अलग है। वो एक्चुअली ना माइक एडजस्ट कर लेता है एंड वॉल्यूम डाउन कर देता है, लेकिन ये एक्चुअल है भाई। भाई ये टैंक देख रहे हो क्या भयंकर चमक रहा है, इस पे ना अभी पानी भी नहीं रहेगा, पानी खसक जाएगा। जब वाइजर गया था ना एक चीज नोटिस किया था भाई, हम लोग के भुवनेश्वर में रूल जितना स्ट्रिक्ट है मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, भाई वाइजर में रूल्स बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे बहुत कम लोग मास्क लगा के रखे थे। ये वाली रोड यार पूरी नई बना दी है और थोड़ी चौड़ी भी कर दी है, पहले थोड़ा सा नैरो था अभी थोड़ी सी वाइड कर दी है रोड। एंड भाई वो साइक्लोन, जब से वो घटिया फोनी साइक्लोन आगे गया ना भाई, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती थी सब उड़ा दे भाई। पहले ना पेड़ पूरे ऐसे ऐसे आके रहते थे, यहाँ पे धूप आती नहीं थी बिल्कुल। एंड अभी देखो यार पेड़ तो है ही नहीं बिल्कुल। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बीच की साइड एंड यहाँ पे गर्मी ना इतनी तेज है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा देर नहीं रुकने वाले। मेरे को लग रहा था इतना तेज, मेरे को नहीं लगा था इतना तेज गर्मी होगा, लेकिन यार धूप उतर नहीं रही, ह्यूमिडिटी बहुत। हाँ ह्यूमिडिटी बहुत है तो उसके वजह से हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? लोटस ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोग लोटस रिजॉर्ट, क्या है वो? लोटस रिजॉर्ट जा रहे हैं। वहाँ पे भाई फुल टू फोटोबाजी चालू है भाई, हर एक आदमी बाइक के ऊपर बैठ के फोटो निकाल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बाइक के मजे ले रहे हैं सब लोग। बाइक को रिएक्शन बड़े एपिक मिलते हैं, टेनर को बहुत ज्यादा एपिक रिएक्शन मिलता है। और यार फीलिंग इतने गर्मी में फुल टू जैकेट एंड आदत पड़ गई। आप भी जैकेट पहने ही हो? हाँ। मैं पहना हूँ लेकिन मैं खोल के रखा हूँ ये भाई, बिल्कुल एक जिप भी अपना ओपन नहीं किया जैकेट का। आदत पड़ गया, 5 साल से आदत है बोल रहे हैं ना। 4.5 साल से तो जैकेट पहन ही रहा हूँ, हो गया कंटिन्यूसली। हम लोग आ चुके हैं लोटस रिजॉर्ट, यहाँ पे हम लोग करेंगे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट क्योंकि यहाँ पे आसपास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड हम लोग कैसे देखो बीच बीच से पेड़ों के बीच बीच में जो रास्ते के ऊपर जो पेड़ थे वो तो हट गए, यहीं पे जो बचे पेड़ है यहीं रह गए। पेड़ों के बीच बीच से निकल के हम लोग जा रहे हैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे को लगता है आज भीड़ यहाँ पे कम होगी, हमेशा यहाँ पे सुबह के टाइम भीड़ बहुत होती है ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं भीड़ कम होगी तो मजा आएगा। किस्मत ही खराब, जब भी लोटस है तो मेरे को वेज खाना पसंद है। आज 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 क्या है? आज तो अष्टमी। हां नहीं खाऊंगा, लास्ट टाइम हम गया। अरे यार वेज ज्यादा बढ़िया होता, बैठो आराम से एंजॉय करो। हाँ, खाओ जूस लेके आओ। अरे बाबा बताओ खा लो तो क्या होगा? हां अगर खा लो तो क्या होगा? हां एवरी गिल्टी फील होगा अंदर। क्यों गिल्टी होगा? और नॉर्मल डे जब खाते हो तब नहीं गिल्टी फील होता? हेलो हम लोग निकल रहे हैं, अभी निकल रहे क्या, निकल चुके हैं लोटस रिजॉर्ट से, 10 बज चुका है, हम लोग घर जा रहे हैं। आगे हम लोग शायद से बाइक स्विच करेंगे, मतलब 10R चलाएंगे। ओ भाई साहब चलो 10R चलाते हैं भाई, क्या पोजीशन है इसकी यार, बहुत पावर है। पावर मोड लो, एक्सेस पावर है भाई। ओहो ऑटो फ्लिपर के मजे लिए जा रहे हैं। भाई ये मेरे को पीछे फेंक रहा है भाई, भाई क्या पावर है। बहुत पटाखे मार रही है जबकि अभी लो पावर मोड पे है। एंड भाई क्या साउंड, मेरे को क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना मजा आ रहा है चला के। ये पेपर का एरोप्लेन है, फूंक मारे उड़े।
स्वागत ऐसे करके देखें एक बार क्या होगा। हाँ, एक बार करते हैं ना, एक बार फिर बाइक को भी बाइक को ऐसे कोई नहीं उड़ाते भाई, चक्के को ऐसे ऐसे करते नहीं, चक्के को बाइक नहीं लेगा लेकिन इसको फूंक मार के ऐसे उड़ाने से ये उड़ी जाएगा। गाइस हम लोग आके पहुंच चुके हैं मेरे घर पे एंड भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गया आज राइड में। जो 10 आवर चला है ना, 10 आवर चला के बड़ा मज़ा आया लेकिन थकान हो गई एकदम 10 आवर चला के। उसका जो पोजीशन है ना इतना लीन पोजीशन है भाई, बॉडी बॉडी पेन करता है, हाथ वाथ दुखता है यहाँ पे। एंड अभिषेक भाई का तो पूरा बॉडी पेन कर रहा था, पूरा चार्ज हो। ये इसके लिए एकदम परफेक्ट है भाई, क्या 10 आवर ये चला है। उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था, इसका कैमरा तेरा कैमरा ऑन था। ये तो बोल रहा है मैं व्लॉग नहीं डालूंगा, ये भी नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो इसकी अगर इसका मन होगा तो ये डालेगा, नहीं मन हुआ तो नहीं डालेगा। लेकिन इसका फुटेज है ये जब चला रहा था। इसका जो फिगर है ना एकदम पतला सा ये, तो इसके ऊपर 10 आवर बड़ा अच्छे से सूट कर गया। मेरे को भी ठीक लगा, बस यहाँ पे रिस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था, बाकी अभिषेक भाई को सूट नहीं किया 10 आवर। भाई मेरे को रिस्ट में पेन नहीं था, मेरा गला में पेन हो रहा था क्योंकि मेरा हेलमेट बहुत हैवी है। हाँ उनका हेलमेट एक्चुअली ना ये सब बाइक्स में, ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं इतना तेज खींचता है, तो इनका हेलमेट है जो टूरिंग टाइप का है, तो वो ना ऐसे विंड ब्लास्ट से एकदम पीछे हो जाता है हेलमेट, एंड वो उसी हेलमेट की वजह से फिर नेक में पेन होता है। बाकी मेरे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा रेस फिट हेलमेट है, मेरा हेलमेट ऐसे पीछे की साइड नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बाकी राइड में बहुत मज़ा आ गया। तो गाइज ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड गाइज, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलमेट टच करो तुम्हें प्लीज, हेलमेट भाई कोविड टाइम अच्छी।